हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं प्रिंस। दोस्तों, आप सभी को पता ही चल गया होगा भाई कि एसएससी जीडी 2021 का जो रिज़ल्ट है वो तो आउट ही कर दिया गया था, कल रात ही कर दिया गया था। लेकिन अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आप लोग मेहनत किया, आप लोगों ने तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से अब ज्वाइनिंग की आप तैयारी कीजिए अपनी, आने वाली ही ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में शायद ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है यार, वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, रो रहे थे भाई बहुत ज़्यादा कि सर मेरा 0.3 से नहीं हुआ, मेरा 0.2 से नहीं हुआ, मेरा 0.1 से नहीं हुआ, किसी का एक नंबर से नहीं हुआ, किसी का 1.5 से नहीं हुआ। दोस्तों, समझ सकता हूँ दर्द, क्योंकि मैं भी इसी दर्द में ही हूँ फ़िलहाल। तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन जब आप सभी के इतने सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि भाई अब क्या करें कैसे करें, तो मैंने सोचा कि भाई चलिए हम ही कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं, मतलब दे दें, क्योंकि भाई मोटिवेशन के अंदर से आता है, लेकिन हमारे अंदर से तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। वैसे तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ दोस्तों पहले जैसा हो जाएगा, एक बार फिर मैदान में कूदेंगे, कोई बात नहीं है। फाइनल में निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब आगे भी दोस्तों, क्योंकि भाई हमने तो एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन क्या करें दोस्तों, अगर पॉइंट भी नंबर होते तो हो जाता सिलेक्शन, कोई बात नहीं। चलिए, अब 2022 की वैकेंसी दोस्तों आपका इंतज़ार कर रही है भाई। फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं भरना, अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा भाई, ताकि बाद में आपको कुछ गलती का उसका भरपाई करना पड़े। तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, और जो बच्चा इसमें नया बच्चा है जो तैयारी करने के लिए आया है, तो वो भी तैयारी करे भाई अच्छे से। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, एसएससी जीडी 2022 का तो पैटर्न चेंज है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा, सेम सिलेबस है, सिलेबस में बदलाव नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है, यानी क्वेश्चनों में कमी की गई है। 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम आएगा, एक घंटे में आपको कवर करना पड़ेगा, और 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, नंबर की मार्क आपके क्वेश्चन की नहीं, नंबर की, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए भाई, बात तो ये है कि तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल यही है, अच्छा स्कोर कैसे करें। अब मैं भी दोस्तों यही एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, मेरे पास भी यही ऑप्शन है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है मेरे पेंडिंग में, लेकिन फ़िलहाल तो ज़्यादा फोकस एसएससी जीडी पर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि दुख बहुत होता है दोस्तों जब आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं लास्ट स्टेज में आके। तो तैयारी कैसे करते हैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, खुद मैंने भी कैसे तैयारी की थी वो बता देता हूँ। देखिए, मेरे खुद के नोट्स हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मेरा अच्छे से नोट्स बना हुआ है, हिंदी का नोट्स है, टोटल हिंदी है इसमें, ठीक है। और जो सिलेबस एग्ज़ाम में आते हैं वही हैं इसमें, और हिंदी के बहुत अच्छे से मैंने इसको कवर किया, हिंदी है इसमें, और इसमें दोस्तों मेरा कुछ जीके का पोर्शन भी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों ऐसे ही दिखा सकते हैं आपको, तो ठीक है। ये देखिए, ये नोट्स मैंने कुछ इस प्रकार से बनाए, जहाँ पर मुझे लगा है कि हाँ भाई, ये देखो ये चीज़ दिख रही हो ना, ये वाले जो जहाँ पर लगा है कि मुझे कि हाँ भाई इसमें मुझे मार्क्स करना ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखो अच्छे से ये इस प्रकार से बनाया है। तो आप पहले लिखिए अच्छे से, जब बाद में आप रिवीजन करें तब आप ऐसे कर सकते हैं। बनाते टाइम आपको ये यहाँ पर हाईलाइट नहीं करना है, जब आप इसका रिवीजन करें तब इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये खुद के मेरे नोट्स हैं, अब आप मेरे नोट्स भी पढ़ सकते हैं भाई, जिसको पढ़ना है नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नंबर लिख लीजिए जिसको भी नोट्स चाहिए, ये नंबर है 6396453592। इस नंबर पर आपको दोस्तों व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, मेरे खुद के जो ये नोट्स हैं जिससे मैंने तैयारी की थी अपनी, वही दोस्तों प्राइज रहता है भाई, ज़्यादा प्राइज आपको नहीं देना है, 100 रुपये का प्राइज है। बहुत से लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा तो खुद एग्ज़ाम नहीं निकला है, तुम PDF दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो भाई एग्ज़ाम स्टार्टिंग में निकला था, लेकिन क्या करें नंबर कम रह गए, हमारी तैयारी थोड़ी सी कम ही रह गई, लेकिन SSC में मेरी हिंदी तो पूरी अच्छी थी, कमी की चीज़ में रहेगी, कमी रहेगी दोस्तों GK में और मैथ में, क्योंकि हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर था, 25 में से 24 का स्कोर था, ये हिंदी जो थी ये तो अच्छी थी मेरी, और रीजनिंग भी मेरी अच्छी थी, 25 में से 22 का स्कोर था, लेकिन मैथ और दोस्तों GK GS में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस बार दोस्तों उन दोनों पर ही फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो जिसको चाहिए ले सकता है भाई,
पीडीएफ, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तैयारी करने का दोस्तों एक तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ, अच्छा तरीका और है, ये तो मेरे नोट्स हैं ही, बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों एक हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी फॉर जीनियस का, स्टडी फॉर जीनियस का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ से आप जा सकते हैं स्टडी फॉर जीनियस, आप प्ले स्टोर पर जाइए, ये सर्च कीजिए स्टडी फॉर जीनियस, वहाँ पर आपको दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा हमारा, जो खुद का हमारा एप्लीकेशन है। तो वहाँ पर मैंने दोस्तों आप सभी को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं, कम से कम दोस्तों 20 से 25 मॉक टेस्ट हैं, 20 से 25, ठीक है, 20 से 25 मॉक टेस्ट हैं, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन भी है। वहाँ से जाकर आप दोस्तों एसएससी जीडी में अपने टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको अभी इसको इंस्टॉल कर लेना है, जिसको भी टेस्ट लगाना है बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो आपको एग्जाम टाइम पे आती है। मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि भाई आप जो लोग हैं ना ऑफलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें मेरे भाई। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है ना, बच्चा जो है प्रैक्टिस तो करता है, लेकिन वो जो है ना एक क्या होता है, देखो अगर आप पे माउस पकड़ना नहीं आएगा मेरे भाई तो क्या होता है, स्लाइड को नीचे करना पड़ता है, उसको नीचे करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे की ओर, तो बहुत से बच्चे तो स्क्रॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हॉरिजेंटल आपका जो आपका बार होता है वो नीचे ऊपर करने वाला वो नहीं हो पाता है उनसे, ठीक है। तो एक तो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, एक इस प्रकार से भी होता है, एक खड़ा वाला, एक ऐसे लेटा हुआ वो जो होता है उस, तो बहुत से लड़कों को ये ही नहीं आता है। तो इसमें दोस्तों मैंने देखा है बहुत से बच्चे की 5-5, 6-6 मिनट निकल जाते हैं इसी चीज़ में, ओल्ड मैंने एग्जाम की देखा है मैंने। तो भाई अच्छे से पहले एक बार देखो आप साइबर कैफे के वाले पास जाकर या किसी के पास जाकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करें मेरे भाई। देखो ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं है कि आपने दोस्तों सर्कल को फिलअप कर लिया और आपका हो गया, मेरे भाई इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। मेरा भी दोस्तों फर्स्ट टाइम मैंने ये मुझे नहीं आता था, तो अब मैंने दोस्तों अब तो फिलहाल ऐसा हो गया कि खुद का मेरा एक लैपटॉप ले लिया मैंने अपना खुद का, उसी से मैं वर्क कर रहा हूँ, लैपटॉप पर ही मैं अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह अब दे रहा हूँ, तो वहाँ से दोस्तों टाइम बचता है, ठीक है, वो फीलिंग आती है लैपटॉप पर आपकी। बहुत से मुझे पता है भाई बहुत ज़्यादा एक पूरे फैमिली से आते हैं, मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरी खुद की मेहनत से लिया है लैपटॉप मैंने तो। और बात यह है कि देखो अब आपको जो है मोबाइल से प्रैक्टिस करनी है, आपके पास मोबाइल तो होगा ना, आपको मोबाइल में आपको जो है मॉक टेस्ट देना है, आपको जो टेस्ट देना है वो मोबाइल में देना है। अगर आप वैसे ऑफलाइन करोगे कोई भी बुक वगैरह से करोगे तो वहाँ वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों 60 मिनट है, अब 60 मिनट को दोस्तों बहुत जल्दी निकल जाती है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइमिंग के साथ करें। अगर आप ऑफलाइन करते हैं कोई भी बुक वगैरह से करते हैं तो टाइम लगाएंगे, टाइम लगाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलेंगे चलो भाई 5-10 मिनट और ले लेता हूँ यार, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा, मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा एक घंटे का, एक घंटे से ना एक सेकंड ऊपर ना नीचे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मॉक टेस्ट जो देना है दोस्तों वो आपको हमेशा ऑनलाइन ही देना है, बुक वगैरह से आप कर सकते हैं, अपना जो भी बुक है आप उससे कर सकते हैं, मैं ये आपको एफर्ट नहीं करूँगा कि आप जा कोई भी किसी से भी करें, वो आपका डिपेंड है भाई, लेकिन मेरी माने तो आप ज़्यादातर आप जो टाइम दें ना वो ऑनलाइन ज़्यादा टाइम दें। फिलहाल आप ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जिस भी बुक से करें, लेकिन टेस्ट आपको ऑनलाइन ही लगाना है, ठीक है। और भाई देखो एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम जो है जनवरी में है, जनवरी के लास्ट तक ही उम्मीद है, जनवरी की स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, जनवरी लास्ट तक ही दोस्तों एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। और सभी से यही है कि आपके लिए अभी दोस्तों देखिए टाइम जो है इसका एग्ज़ाम जो चलता है कम से कम चलता है इसका एग्ज़ाम भाई, इसका जो एग्ज़ाम चलता है ना वो लगभग एक महीने चलता है, एक मंथ, वन मंथ का टारगेट है। अगर आपका एग्ज़ाम वन मंथ भी चलेगा तो फरवरी के लास्ट तक दोस्तों ये ख़त्म होगा, ठीक है, फरवरी लास्ट तक। तो आप समझिए अगर आपका लास्ट में पड़ जाता है एग्ज़ाम तो अभी आपके पास कितना टाइम है, एक तो नवंबर का महीना है अभी, अभी दोस्तों ये समझिए अभी स्टार्टिंग है नवंबर के महीने की, वैसे निकल चुका है 20 दिन तो अभी बचे हुए हैं, वैसे 20 दिन ये मिल जाएंगे, एक महीना आपका दिसंबर का होगा, जनवरी का एक महीना हो गया, तो समथिंग आपके पास दोस्तों लगभग 3 महीने तो अभी हैं, लगभग 3 महीने तो अभी है आपके पास, ठीक है। 3 महीने में दोस्तों आप जो है आराम से बिल्कुल अच्छे से दोस्तों जीरो लेवल से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी एग्ज़ाम को निकाल जाओगे 3 महीने के अंदर। देखो भाई इस बार जो है आपको 100% एफर्ट देना है, बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार दोस्तों पुराने बच्चे जो हैं जिनको पहले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे वो भी इस बार मैदान में कूद चुके हैं, ठीक है। तो आपको अपना पूरा 100% एग्ज़ाम निकालने में देना है। अगर आप ये सोचेंगे नहीं भैया बस हमें तो सिर्फ
अपना कट ऑफ में नाम आवाना है, हमारी तरह करोगे ना तो भाई लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमें पता है ये दुख कैसा है, रियल बता रहा हूँ दोस्तों। देखो क्या है, रोने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, अब दुख समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। बहुत से लोगों ने दोस्तों सपोर्ट भी किया है, बहुत से लोगों ने यार कमेंट में, जब मैं कमेंट पढ़ रहा था बहुत से लोगों का, तो रियल बताऊँ ना बहुत ज़्यादा दोस्तों एक मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई चलो बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लोग तो बहुत भी हैं, बेचारे उनका क्या होगा, हमारा भी तो ऐसा ही है। कुछ लोग तो 0.1 से भी रहे, चलो हमारा तो 0.69 तो समथिंग है, लेकिन कुछ लोग तो 0.12 ऐसे भी रहे हैं भाई, कुछ लोग एक नंबर से, कुछ लोग दो नंबर से रहे। तो मैं यही बोलूँगा आप सभी से कि भाई मेहनत करो भाई, देखो बिना मेहनत के तो जॉब मिलने वाली है नहीं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है मेरा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने किताब अभी उठाई है, रियल बताऊँ तो कल मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई, बिना पढ़ाई के तो कुछ होगा नहीं फिलहाल तो, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही बोलूँगा सभी से कि प्रैक्टिस जरूर करें, वो भी ऑनलाइन करें, बिना ऑनलाइन अगर आप करोगे तो वहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, इसलिए एक वो माहौल बनाइए ऑनलाइन का जो वहाँ बनता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके पास दोस्तों कोई लाइब्रेरी की सुविधा है आसपास, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जो पढ़ाई होती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होती है। यानी अगर आप घर पर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हो ना, तो उसमें से दोस्तों घर पर आप कुछ काम करने चले गए, कुछ काम आ गया, कोई कोई बुलाने आ गया, तो वहाँ से दो से तीन घंटे में मैंने देखा है आधा घंटा या पौन घंटा तो ऐसे निकल जाता है, उसमें से मान के चले आपसे 1 से 1.25 घंटे पढ़ाई होगी 2 घंटे में भी। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, जब सभी लोग पढ़ेंगे ना वहाँ पर माहौल बनेगा तो आप वहाँ भी पढ़ोगे 2 घंटे में दोस्तों, समथिंग समथिंग अगर आपने आधा घंटा मोबाइल भी चला लिया ना तो 1.5 घंटे तो समथिंग समथिंग पढ़ोगे। अब मोबाइल तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, जब सौ लोग पढ़ाई करते हैं ना वहाँ पे, तो आप भी पढ़ाई करोगे, और वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो अलग ही मजा होगा, क्योंकि चारों तरफ आपका ऐसा माहौल बन जाएगा जैसे एग्जाम में बनता है, चारों तरफ वहाँ पर आपको स्टूडेंट मिलेंगे, तो वहाँ पर माहौल अलग बनेगा। अगर उस माहौल में आपने मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आप वहाँ एग्जाम में भी अच्छा स्कोर ही करके आओगे, ये मैंने खुद फील किया है। तो बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों सभी से, आप लोग डटे रहें, कुछ ये मोटिवेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे दोस्तों हम भी अभी ऊपर आने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, और मोटिवेशन की आग मैं आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भर दूंगा। फिलहाल तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन टेंशन नहीं लेना दोस्त, अभी हार नहीं मानी है, एक बार फिर दोस्तों इस मैदान में उतरना है और इस मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमें झुका सके। दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं कर सकते हैं, अगर थक के बैठ जाते हैं, हार के बैठ जाते हैं, तो आप वो दोस्तों आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, वो आग नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं है, गिर कर उठना ही दोस्तों जिंदगी है। अगर आप गिर के उठ सकते हैं ना तो यही जिंदगी है असली, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बस इस बार पूरा जो मन का दिमाग का जो यहाँ पर दुख दर्द है जो इस दिल में लेके बैठे हो, लगा दो यार पढ़ाई पे, इस बार देखते हैं कैसा नहीं होता है। जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, जिंदगी में दोस्तों गम बहुत है, लेकिन हमसे ज़्यादा गम लेकर भी बहुत लोग बैठे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। तो हम तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि हमसे ज़्यादा गम वाले लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं, हम तो बहुत कम हैं। चलो ये दुख आ गया दोस्तों, दुख तो दोस्तों देखिए एक उसकी तरह होते हैं, एक पहिए की तरह होते हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, इस प्रकार से सर्कल चलता रहता है। अगर आज दुख है ना मेरे भाई तो रोना नहीं, ये पहिया कभी ना कभी तो पलटेगा और सुख आएगा, ध्यान रखना इस बात को, बस रोना नहीं यार, रोने से कभी सलेक्शन नहीं मिलेगा, हिम्मत से मिलेगा सलेक्शन, हिम्मत से। चलो दोस्तों बस इतना ही बोलूँगा, रोना नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, बस इसकी तैयारी में लग जाइए अभी से, बस चलो दोस्तों, थैंक यू।